एग्जाम हंटर से जुड़ने के लिए उसके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है। वहाँ पर सारे आपको पेड टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स का टेस्ट, साथ ही साथ क्विज़ वगैरह, फ्री PDF सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आपको क्या करना होगा कि आपको जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना होगा BPSC एग्जाम हंटर, या यूट्यूब के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, इसको आप ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। इट्स ओके तो हम लोग बताए थे इस प्रोग्राम में हम लोग कर क्या रहे हैं। ये बेसिकली 69th BPSC मेंस जो है उसके लिए ये प्रोग्राम है। इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इसको तो टैकल करेंगे ही, उसके अलावा इसको ओवरऑल फ्रेमवर्क में कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को, अगर मान लो इंट्रो क्या लिखेंगे, बॉडी क्या लिखेंगे, फिर चैलेंजेस क्या होंगे इसके, वे अहेड क्या होंगे इसके, फिर उसके बाद आपको, इसके बाद हम लोग कंक्लूजन क्या लिखेंगे, ताकि इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है ना तो आप कहीं मिस ना करें, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, और सेशन को इंटरैक्टिव रखेंगे, लाइक जो भी आपको जहां भी डाउट है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई 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 भी चीज पढ़ा रहा हूँ और आपको डाउट इंट्रोडक्शन में ही आ गया, यहीं पर मेरे को स्टॉप करके अपना डाउट क्लियर करेंगे आप। इंट्रोडक्शन, ये नहीं कि मैं कंक्लूजन पे पहुंच गया और आप कहेंगे इंट्रोडक्शन वाला डाउट रह गया सर। ठीक है, और अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, देखिए तो कोई भी क्वेश्चन जो हम लोग आंसर करेंगे ना, वेदर इट इज 38 मार्कर और वेदर इट इज 7 to 8 मार्कर, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इन 5 फॉर्मेट में डील करेंगे। डील करने का अलग अलग तरीका होगा, ठीक है। और दूसरी बात, एक और चीज, ये 38 मार्कर क्वेश्चन को हमें मैक्स 20 मिनट्स में आंसर करना है, और ये 7 to 8 मार्कर वाले क्वेश्चन को मैक्स 4 to 5 मिनट्स में। ठीक है, अब देखिए 38 मार्कर में इंट्रो हम क्या लिखेंगे, इंट्रो हमारा होगा 7 to 8 लाइंस का, बॉडी होगी हमारी 1.5 to 2 पेजेस की, चैलेंजेस होगी हाफ पेजेस की, वे अहेड होगी हाफ पेजेस की, और कंक्लूजन हाफ पेज का। तो देखिए 1.5 से 2 पन्ना, 1.5 पन्ना, 3 पन्ने और 3.5, मतलब 4 पन्ने के अप्रोक्स आपका 38 मार्कर का आंसर जाएगा। अब इधर आते हैं, ये होगा इंट्रो 2 से 3 लाइन, बॉडी होगा 60 to 70 वर्ड्स, ओके। चैलेंजेस वाला जब आप सेक्शन देखेंगे तो चैलेंजेस आप जैसे इसको इस तरीके से लिखेंगे कि चैलेंजेस लिखें और तुरंत ऐसे 4 सिंगल सिंगल वर्ड में आप फ्लो चार्ट बना के ये आंसर कर देंगे, ये चैलेंजेस हो गया। वे अहेड भी आप सिमिलरली इसी टाइप से लिखेंगे, ठीक है। और इनको एक्सप्लेन नहीं करना है, ये सिंगल वर्ड होना चाहिए। अगर आप यहाँ पैराग्राफ लिखने लगे ना तो अंडरस्टैंड, ये 5 मिनट का ब्रीच खत्म हो जाएगा और ये 8 मिनट लग जाएगा आपको आंसर करने में। और ये जहां 8 मिनट लगा ना, तो रिमेम्बर एक क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, ठीक है। वे अहेड आप लिखेंगे 4 पॉइंट इस तरीके से, और फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे आप 2 से 3 वर्ड, 2 से 3 लाइंस का, ठीक है। और याद रखिएगा कंक्लूजन जो लाइन होगा, प्लीज म्यूट कर लीजिए जो भी, जिनका भी बैकग्राउंड में वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कंक्लूजन के बाद अगर आपके पास पेनल्टीमेट लाइन है, पेनल्टीमेट लाइन का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए PM मोदी कुछ बोल दिए, कोई स्कॉलर कुछ बोल दिया, कोई रिपोर्ट कुछ बोल दिया, तो ये पोर्शन आपको 0.5 मार्क्स से 1 मार्क्स बाकी लोगों से ज्यादा दिला जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक और चीज, इंट्रोडक्शन हमेशा आपके क्वेश्चन का 5 से 7% मार्क्स का होता है, बॉडी आपके क्वेश्चन का 30 से 40% मार्क्स लेता है, चैलेंजेस आपके क्वेश्चन का 10 to 12% मार्क्स लेता है, वे अहेड आपका 10 to 12% मार्क्स लेता है, और कंक्लूजन 15% मार्क्स लेता है, क्योंकि ये विजन दिखाता है। तो ओवरऑल 5-10% ऊपर नीचे, बट यही फॉर्मेट होता है मार्किंग का। आई होप कि ये स्ट्रक्चर और ये सारा चीज सबको क्लियर है। किसी को कुछ डाउट है इसमें? मार्किंग परसेंटेज सर फिर से वो कर देते सर। ये हर दिन बताएंगे हम 5 मिनट, ठीक है।
तो ये कल भी बताएंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आंसर कैसे करते हैं उसमें दिक्कत है? सर, जिसे शॉर्ट जिस वी हेड में शॉर्ट नोट्स है और एक लॉन्ग वाले में, सपोज कीजिए तारकंडो कमेटी हमको लिखना है, तो वहाँ पे सिर्फ तारकंडो कमेटी को लिख के ये नहीं लिखना पड़ेगा कि कॉलेजियम वगैरह जैसे शॉर्ट वाले में, जैसे ऐसे उसमें तो लिखेंगे, दिल। ऐसे लिखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू तारकुंडे कमिटी नीड ऑफ कोलेजियम सिस्टम, हो गया। बस आपने तारकुंडे कमेटी का नाम भी दे दिया, उसकी रिकमेंडेशन भी दे दी। और यही अगर आपको 38 मार्कर में लिखना होगा तो आप लिखेंगे एज पर तारकुंडे कमिटी इट वॉज मेंशन दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस नीड टू बी थ्रू कलेजियम सिस्टम या इलेक्शन कमीशन नीड टू बी द कलेजियम सिस्टम एंड दैट कलेजियम सिस्टम नीड्स टू बी सुपरवाइज बाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अपॉइंटेड डेजिग्नेटरी। तो फिर आप उसको 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन करके लिखेंगे, दैट्स द डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? ओके, तो क्वेश्चन ये पोर्शन अपना क्लियर हो गया। तो एक अब इसमें चीज हमारा क्लियर कल, हाँ बताइए, जल्दी बोलिए, जिसका भी क्वेश्चन है जल्दी पूछिए, जब तक रब कर रहे हैं तब तक जल्दी बताइए, फिर उसके बाद गया। आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए मेरा म्यूट है। वहीं से होता है। किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। निशांत आप अपना म्यूट कीजिए प्लीज। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इसमें कल दो तीन क्वेश्चन रह गए थे, याद है? बाकी सारा तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, अब उन तीन क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। क्वेश्चंस पढ़िए, ये स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाला प्रोग्राम वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फिर बाकी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? एस्पिरेशनल ब्लॉक है, एस्पिरेशनल हाँ, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ब्लॉक वाला प्रोग्राम क्वेश्चन, फिर उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन करेंगे, तो पढ़िए इसको। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एंड इट्स बेनिफिट्स। ठीक है, तो ऐसे क्या लग रहा है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है क्या? इसको हम लोग एबीपी लिखते हैं अभी, ठीक है? और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी हुआ, ठीक है? ये फुल फॉर्म आप लोग समझ गए, एबीपी मतलब एस्पिरेशनल ब्लॉक, एडीपी मतलब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब देखिए, क्योंकि शॉर्ट नोट है एंड इट्स बेनिफिट सिर्फ पूछा है, तो इसको इंट्रोड्यूस ऐसे करेंगे कि प्रधानमंत्री इसको इनॉग्रेट किए थे, अगर आपको याद होगा तो इनॉग्रेट किया गया था 500 ब्लॉक्स के लिए। और अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप कितना ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडिया के मैप पे। देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप बन गया, ठीक है? अब देखिए, ये हमें को बनाने में 10 सेकेंड लगा, ठीक है? जब आप पेन कॉपी भी बनाएंगे तो और फास्ट बनेगा, ये 5 सेकेंड बनेगा आपसे, ठीक है? अब इसमें आप क्या करेंगे ना, यहाँ पर आप मार्क करेंगे यूपी, यहाँ पर मार्क करेंगे बिहार, यहाँ पर आप मार्क करेंगे मध्य प्रदेश, यहाँ पर आप मार्क करेंगे झारखंड, यहाँ पर आप मार्क करेंगे वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आप मार्क करेंगे उड़ीसा, और यूपी में मान लीजिए आप लिख दिए 68, बिहार में हो गया 61, मध्य प्रदेश में आपका हो गया 42, झारखंड इज 34, फिर आपको वेस्ट बंगाल वाला जो पोर्शन है वो हो गया आपको 29, और उड़ीसा वाला भी पोर्शन हो गया 29। अब देखिए, जो एक बच्चा आएगा वो नॉर्मल लिखेगा किसी एक तरीके से, तो वो आपको लिखेगा कि यूपी में इतना हुआ। आपने क्या किया, इंडिया का मैप लिया और तुरंत तुरंत आपने यहाँ पर ऐसे लिख के और इधर बगल में स्टेट का नाम लिख दिया। आपको टीचर यहाँ 0.5 से लेके 1 नंबर ज्यादा दे देगा, यही स्किल है आंसर राइटिंग का, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो आपने ये लिख दिया, फिर इसके बाद आपने ये मैप बना दिया, मैप बनाने के बाद आप फिर ये लिखेंगे इट इज ऑन द सेम लाइन्स एज द इट इज ऑन द सेम लाइन एज द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। और जैसे ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का आपको वो आप लिखेंगे, तो अब इसके बाद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में जो है कि कैसे वो 2018 में लॉन्च हुआ और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अब देखिए, बेनिफिट्स ऑफ एबीपी, अब बेनिफिट क्या होगा, टारगेटेड अप्रोच होगा, ठीक है? टारगेटेड अप्रोच हुआ, और बेनिफिट क्या होगा, दूसरा बात, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे स्पेसिफिक ध्यान दिया जाएगा जो बैकवर्ड सेक्शन है, एजुकेशन को स्पेसिफिक सेक्शन सेक्टर मान के काम किया जाएगा, फिर अगर आप आगे का देखेंगे तो एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स को अपग्रेड किया जाएगा,
और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्शन। अब इसमें देखिए चैलेंजेस पूछा नहीं है, सिर्फ बेनिफिट पूछा है। तो चैलेंजेस में आप क्या करेंगे जानते हैं, एक ऐसे कॉलम बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज और यहाँ लिखेंगे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का चैलेंज, ठीक है। और फिर आप लिखेंगे ऐसे वे अहेड। तो वे अहेड में आप क्या लिखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मल्टी मॉडल बनाने की जरूरत है, जैसे मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। दूसरा एक कॉमन सर्विस सेंटर जो है ना, उसके थ्रू स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। और तीसरा पीएम कौशल योजना को और ओवर पावर करने के, 4.0 रन हुआ है तो और रन करने के, ताकि स्किलिंग हो सके। और फिर वोकेशनल कोर्स के दौरान, और इसको आप एंड कैसे करेंगे, तो एंड आप ऐसे विजन डाल के करेंगे कि अमृतकाल का विजन है 2047 को, जो कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, फिर एग्रीकल्चर, इन सब में आगे बढ़ना है। और इसके कारण एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एक तरह का हमारा पावर बूस्ट होगा, नाइट्रो की तरह। जैसे अगर आप लोग कभी गेम वेम खेले होंगे तो उसमें नाइट्रो आता था ना एक ऑप्शन, कि नाइट्रो की तरह आपको यूज करना है, तो बस वही हो गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। और हमारा यहाँ पर आंसर कंप्लीट होगा। आपने ये सोचिए, आपने इस क्वेश्चन में मैप दिखा दिया, इंट्रो बता दिया, आपने बेनिफिट बता दिए, चैलेंजेस और वे अहेड आपसे नहीं पूछा, बट आपने इसको दो दो लाइन में, दो दो पॉइंट में बता दिया, और फिर आपने इसको कंक्लूड कर दिया भारत के अमृतकाल विजन से। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। किसी को डाउट है इसमें कुछ भी? सर, अब इसमें शायद 31 वो कर दिया गया है, पहले 6 स्टेट में था, अब इसको 31, तो भी ये मैप चढ़ी होगा क्या? नहीं, देखिए पॉइंट ये है ना कि जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है ना, तो लॉन्च का पायलट प्रोजेक्ट आप डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन आप पूरे इंडिया के ऊपर जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए उसको डिस्प्ले नहीं करते हैं। तो ये पायलट प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ था तो इन्हीं 6 जगह पे 500 ब्लॉक में हुआ था। अब फिलहाल 500 ब्लॉक में हो चुका है, बट इन्हीं 6 डिस्ट्रिक्ट में पायलट की तरह, ये मतलब स्टेट्स में पायलट की तरह रन हुआ था। यस तो हम बताए ना शुरू में कि इनिशियली 500 ब्लॉक्स में अब हो गए हैं, बट इनिशियली जो पायलट ब्लॉक्स हुए थे तो ये हमारा था। और क्योंकि इसमें बिहार का नाम है, आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको बिहार के वो मैप में दिखाने का एक रीजन मिल रहा है, सर, समझ गए? किसी यस सर, को कोई डाउट इसमें? सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। द फंक्शनल ओवरलैप बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट अंडरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, कमेंट। बताइए अब इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए क्या लिखा जाए। कोई कुछ तो बोलिए। पहले तो सर वो कि इंट्रोडक्शन देखना है कि हाउ सेपरेशन ऑफ पावर इज सैन एक्वानन ऑफ द फंक्शनिंग, मतलब स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी देना पड़ेगा ये, और ठीक फिर है, मतलब सर कि तीनों का सर वो दिखाना पड़ेगा कि कहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे वो है और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे एंड वाइस वर्सा, मतलब तीनों का, तीनों पे कहाँ पे वो होगा। अब इसको ना थैंक पेन पेपर उठाइए, कुछ बता रहे हैं लिखते जाइए, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा। कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस है जो आपको जरूरत पड़ेगी एग्जामिनेशन में। ऐसे आज आप लोग देखे होंगे कि ग्रुप पे मैंने कुछ शेयर भी किया है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट केसेस, एक जगह पूरे कंबाइंड, यस सर। जितने लोग ग्रुप पे होंगे तो एटलीस्ट उन्होंने देखा होगा ये चीज। तो ऐसे ही अब सारे दिन, हर एक दिन कुछ ना कुछ हम डेटा शेयर करेंगे जो आपको पॉलिटी के आंसर, इकोनॉमी के आंसर, बिहार के आंसर। जैसे आप मान लीजिए बिहार का जो पॉलिसी एग्रीकल्चर पॉलिसी है, तो एग्रीकल्चर जो स्टार्टअप वाली पॉलिसी है ना, वो 45 पन्नों की डॉक्यूमेंट है, तो उसको रीड करके मैंने 2 पेजेस में समराइज किया है। तो ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा विच ऑल द थिंग्स, सारी चीजें। जो जो लोग ग्रुप पे होंगे उन सबको ये सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, जो आपको जब एग्जाम देंगे ना तो ये बहुत फ्रूटफुल होगा, जो बाकी लोगों से आपको एज दिलाएगा, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर का डेफिनेशन वो आप लिखिए, डेफिनेशन। सेपरेशन ऑफ पावर क्वाइंड बाय फ्रेंच जूरिस्ट मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू इन हिज बुक, बुक का नाम लिखिएगा एल स्पिरिट, स्पिरिट डेस लॉइस
इन 1748। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा वो लिखिएगा। देयर कैन बी नो लिबर्टी इफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स आर अमलगेटेड इन द सेम पर्सन या बॉडी। ठीक है, अब देखिए हम, सर देयर कैन बी नो लिबर्टी इफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स आर अमलगेटेड इन द सेम पर्सन स्लैश बॉडी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्यों डेफिनेशन यूज किया प्रॉपर, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में खुद ही लिखा है कि प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, तो हमें एक रीजन मिल गया ना इसको बताने के लिए कि देखिए हम तो पूरा डिटेल में जानते हैं क्या सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन देने के बाद इसके बाद हम इसको एक शॉर्ट हेडिंग देंगे, सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, और उसके बाद एक इस तरह का ट्रायंगुलर कॉलम बनाइए आप। यहां पर लिखिए जुडिशियरी, यहां पर आप लिखिए एग्जीक्यूटिव, यहां पर लिखिए लेजिस्लेचर। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे हमको एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के रोल में कैसे इंटरफेयर करता है। दो दो एग्जाम्पल बताइए जल्दी जल्दी। ऑर्डिनेंस के द्वारा राष्ट्रपति के, ठीक है, एक प्रोसेस ऑर्डिनेंस हो गया, दूसरा प्रोसेस बताइए। आप जानते हैं, आप सही जा रहे हैं बिल्कुल। एक्ट के द्वारा जैसे 1972 के नहीं वाइल्ड लाइफ नहीं वाला, नहीं 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 वो नहीं भी तो नहीं एग्जीक्यूटिव का ही है ना सर, सर, एक्ट देखिए के द्वारा। आपको, हम आपको बता रहे हैं एवरीथिंग इन इंडिया, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है तो सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है, बट क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का ओवररीच हम लोग को बताना है। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर का ओवररीच हम लोग को डायरेक्ट इन्फरेंस बताना होगा, आप इनडायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, जी समझे। तो डायरेक्ट वाला सोचिए, आप ऑर्डिनेंस सही बोले, देखिए वन वर्ड आप ऑर्डिनेंस बोले, हमने लिख दिया बस, तो आप ही की बात मान के लिखा है। दूसरा बात बताइए, सोचिए सोचिए कुछ तो सोचिए, कल ही परसों सर, पढ़ा है आपको। राष्ट्रपति के द्वारा सर क्षमादान भी तो किया जाता है ना, 72। वो उसका उसमें है डिस्क्रिशनरी पावर या प्रिविलेजेस वाला पावर या पार्डनिंग पावर में आएगा, वो इसके रोल को कहाँ हैम्पर कर रहा है। और प्लस राष्ट्रपति जो आपको पार्डन का शक्ति देता है वो पार्डन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे देता है, तो वो तो जी लेजिस्लेचर के ही रोल पे दे रहा है ना। तो ये काउंसिल देखिए ऑफ मिनिस्टर सब दूसरा हो गया इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, इमरजेंसी कहाँ लगेगा, कब हटेगा, स्टेट में इमरजेंसी जो लगती है ना, प्रेसिडेंट रूल जो लगती है स्टेट में, वो गवर्नर के डायरेक्ट उस पर लगती है। ठीक है, तो ये जी हमारा दो एग्जांपल हो गया जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे ओवररीच करता है। अब बताइए लेजिस्लेचर का जुडिशरी पे ओवररीच बताइए। सर, ये महाभियोग एग्जैक्ट एग्जैक्ट, ठीक है, सर, और महाभियोग बताइए महाभियोग क्या हुआ सर, एक बार फिर से बताइएगा थोड़ा। सर, न्यायपालिका न्यायाधीशों इम्पीचमेंट, के इम्पीचमेंट, लिए जो निकाला जाता है, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट, नाइन्थ शेड्यूल ऑल्सो, इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं हुआ सर। इम्पीचमेंट मतलब आपको ना एक तरह से देखा जाए तो वो आपको एक प्रोसीजर है हटाने के लिए, मतलब अगर आपको अपॉइंट करने का प्रोसीजर है तो हटाने का प्रोसीजर एग्जीक्यूटिव के ऊपर, वो ये भी तो लेजिस्लेचर सर, के। ये भी तो जुडिशरी में ही आएगा ना सर, ये भी तो उसका क्वासिड जुडिशरी में आता है ना। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं सर। देखिए यहाँ पर नाइन शेड्यूल जो इन्होंने बात बोला वो सही बोला कि नाइन शेड्यूल में जैसे ही हम कुछ डालते हैं तो हम जुडिशियरी से कहते हैं कि आप इसको छू नहीं सकते हैं। जी ठीक है, तो ये दो ओवररीच हो गया। हम देखिए आपको अगर हम घर पे इनवाइट करते हैं खाना खाने के लिए, तो अगर हम आपको घर से जाने के लिए बोलेंगे तो ये ऐसा थोड़ा है कि हम आपका अधिकार छीन रहे हैं, समझ रहे हैं आप बात। जी जी ठीक है, अब बताइए एग्जीक्यूटिव का जुडिशियरी के ऊपर बताइए। सर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में, अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट में, अपॉइंटमेंट ऑफ और जजेस बताइए, और बताइए दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन में पॉलिसी के। ठीक है, क्योंकि आप देखिए अब ये तो हमने इस एंगल से बता दिया, अब जुडिशरी दोनों पे कैसे, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पे कैसे रोल करता है, तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पे वॉच डॉग का रोल करता है जिससे एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं कर पाता है।
जुडिशियरी लेजिस्लेशन पे कल हम लोग पढ़ी है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। अब ये देखिए, ये यस सारे प्रोविजन पहले क्लास से अगर आप लोग जुड़े होंगे तो आप जानते होंगे कि ये सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। कुछ है इसमें जो आपको एक्सप्लेन करने लायक है तो बताइए, हम एक्सप्लेन कर देंगे, वरना सारे प्रोविजन हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, और अब इसमें आते हैं कि हम कंक्लूड कैसे करेंगे। तो कंक्लूडिंग इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने चैलेंजेस बता दिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग कंक्लूडिंग करेंगे अरिस्टोटल के डेफिनेशन से, अरिस्टोटल के या हम लोग लॉक के डेफिनेशन से, इन लोगों के डेफिनेशन से करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, हम लोग एलिजिबल नहीं है इस पे कमेंट करने के लिए, हम लोग, हमारा विचार नहीं मांगा है, हमें बोला गया है कि कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। तो हमने तो ये एग्जाम्पल दे दे के प्रूफ कर दिया कि कैसे एक दूसरे के ऊपर इन्फ्रिंज कर रहे हैं, बट हमारे लगने से कुछ नहीं होता है ना, प्रूफ तो करना ही पड़ेगा चीजों को। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या कहेंगे कि देखिए, हमने तो ऐसा कह दिया और ये आदमी ने, बड़ा आदमी भी यही बात कहा था, तो मतलब हम जो कहें वो सही हो गया, ठीक है। तो आप अरिस्टोटल की तीन एंगल्स हैं जिसको आप देखेंगे, तो देखिए इसमें अरिस्टोटल ने लेजिस्लेशन को डेलिबरेटिव बताया था, एग्जीक्यूटिव को मैजिस्टेरियल बताया था, और जुडिशरी को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रोसेस बताया था। और ये तीनों एक दूसरे के साथ जब काम करेंगे तभी एक स्टेबल सोसाइटी में वर्किंग होगा, ठीक है। तो आपने क्या बताया कि ये इंफ्रिंजमेंट तो है, बट क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल तो आप स्टैंड दे नहीं सकते हैं, तो आपने बस अरिस्टोटल के वर्ड को यूज करके तीनों को एक साथ वर्क करके, बैलेंस आउट वर्क, बैलेंस करके काम करने को बोल दिया। क्लियर है? यस किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, कुछ भी डाउट है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का फ्रेमवर्क सर एक कैसे किया आपने? देखिए, इस क्वेश्चन के फ्रेमवर्क में हमने इंट्रो लिखा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो चैलेंजेज वाला सेक्शन ही बॉडी का सेक्शन है, क्योंकि इसने सीधे ही बोल दिया है कि ये दिक्कत है। क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है? द फंक्शनल ओवरलैप बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट अंडरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसमें जो चैलेंज वाला सेक्शन है वही तो बॉडी होगा हमारा, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि इसमें वे अहेड आप कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड हो जाएगा इसको, आप ये तो कह नहीं सकते कि अलग कर दीजिए, तो आपने वे अहेड को और कंक्लूजन को कंबाइन कर दिया कि अरिस्टोटल ये बोला कि तीनों लोग जो क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर डेलिबरेटिव फंक्शन करे, फिर आपको एग्जीक्यूटिव मैजिस्टेरियल फंक्शन करे, और जुडिशरी जो है वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करे, और तीनों को बैलेंस करके चलने को ही सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल कहा जाता है, ठीक है। सर इसमें वो सभी जैसे कह सकते हैं सेपरेशन पावर जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, जस्टिस बेग ने कहा था कि मतलब केशवानंद भारती केस में ये वगैरह देखिए, केशवानंद या भारती वगैरह आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बट जब आप एग्जामिनेशन में पेपर लिखेंगे ना, तो पॉलिटी के हर क्वेश्चन में केशवानंद भारती ही लिखने का मन करेगा। जी। अगर आप पूरा पॉलिटी का मेंस पेपर लिखेंगे, अगर मान लीजिए आपको हम 10 क्वेश्चन पॉलिटी का दे देना अभी लिखने के लिए, तो आप 10 में से कम से कम 8 क्वेश्चन में केशवानंद भारती का डिस्कशन करेंगे और 5 क्वेश्चन में मिनर्वा मिल्स केस का डिस्कशन करेंगे। बट अगर एक ही कंटेंट आप बार बार लिखेंगे तो एग्जामिनर यहाँ आपको अगर 38 नंबर में 18 नंबर दे रहा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 12 नंबर से ज्यादा नहीं देगा। इसी रीजन से पॉलिटी में 100 नंबर लोगों को आता है, जहां पर वो GS1 में 180 स्कोर करते हैं, जी समझ गए आप? इसलिए हम आपको यस अप्रोच बता रहे हैं कि क्वेश्चन में अप्रोच कहाँ से कहाँ लाना है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ना स्टैटिक थियोरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो हम थियोरेटिकल रिस्पॉन्स देंगे ना। अब जैसे यॉर्क क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, तो यॉर्कर आएगा तो यॉर्कर को हम डक करेंगे, या तो डीप इन द क्रीज जाके खेलेंगे, सिंपल बात है। फुल टॉस बना के खेलने में दिक्कत है ना,
इसलिए हम उसको उस हिसाब से चीजें हैंडल करेंगे। सब बॉल को एक एंगल से हम डील नहीं करेंगे, हर का प्रोसेस अलग अलग होगा। ठीक है, सर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो है। अगला क्वेश्चन क्या है? वुमेन इन जुडिशरी। तो इसमें कोई करंट एग्जांपल ऐड नहीं करेंगे क्या, जहां पे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ मतलब सेपरेशन हो रहा है? तो हम आपको बताए ना, ये केसेस बताए ना आपको, कि ये देखिए ऑर्डिनेंस का कल हम लिखवा ही दिए हैं कि 7.7 ऑर्डिनेंस पर ईयर हो रहा है। इमरजेंसी का हम बता ही दिए कि स्टेट में इमरजेंसी तो जहां सर ये प्रेसिडेंट को, कमेंट कमेंट का मतलब जस्टिफाई हुआ, मतलब जो हाँ जस्टि ऑलरेडी जस्टि देयर। जस्टि जस्टिफाई हुआ। तो देखिए आपने दिया ना एग्जांपल, जैसे ऑर्डिनेंस का लिखवाया मैंने। अब ऑर्डिनेंस में कल मैंने जब ऑर्डिनेंस की पूरी क्लास ली थी तो ऑर्डिनेंस के 5-6 एग्जांपल दिए थे, उनमें से एक आप पुट कर दीजिए। एनजेएसी भी कल मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर जुडिशियल रिव्यू के भी, जुडिशियल एक्टिविज्म के भी एग्जाम्पल कल एक्सप्लेन किए थे। तो मतलब अगर आप कहेंगे तो मैं सेम एग्जाम्पल रिपीट कर दूंगा, बट उसका कोई खास फायदा नहीं है क्योंकि ठीक है सर, ओके। सब लोग यहाँ, आप लोग गेन करने ही आए हैं, तो ठीक इसलिए इसलिए बता रहे हैं। मतलब जो जहां रिपीट हो रहा है ना, जैसे देखिए क्लास 1 से शुरू हुआ है और क्लास ये जाएगा 25 तक। अगर हर क्लास में हम सेम चीज रिपीट करेंगे तो आप नए चीज कम सीख पाएंगे। नहीं मेरे लिए सर वो कमेंट से मैं कंफ्यूज हो रहा था कि सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए लिटरेरी टर्म्स में देखना है या फील्ड नहीं के नहीं कुछ नहीं जो रियल टाइम। देखिए एग्जाम्पल हर चीज में देना है, हर चीज में, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। एग्जाम्पल आप दीजिए, एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए 2-3 चीजें और हैं मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो जैसे जैसे आपका एग्जाम क्लोज आएगा तो एग्जाम्पल्स ग्रुप पे चंदन सर पोस्ट कर रहे हैं डेली न्यूज़पेपर का, अगर आप ध्यान देंगे तो न्यूज़पेपर का डेली आर्ट कटिंग पोस्ट करते हैं। और बाकी मेरे जैसे आज जो मैंने नोट शेयर किया है सुप्रीम कोर्ट वाला, तो यस वो सर। केसेस एग्जाम्पल के तौर पे आप पुट ऑन कर सकते हैं ना। ठीक ठीक है, अब जैसे इसमें सेपरेशन ऑफ पावर में आप देखेंगे ना, एक रीसेंट एग्जाम्पल है ना कि 2023, 2000 आपको क्या बोलते हैं ये 23 वाला केस है, 20 वाला केस है, कीशम मीक चंद्र सिंह वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर ऑफ मणिपुर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोला है कि एंटी डिफेक्शन का डिसीजन आप 3 महीना में डिसाइड कीजिए। बट पॉइंट ये है कि अगर मान लो कि आज हमारा एंटी डिफेक्शन का होता है केस, ठीक है, और इसके बाद सेशन आउट ऑफ हाउस हो जाए और सेशन 6 महीना बाद है, क्योंकि साल में तो 2 सेशन ही मिनिमम करना कंपलसरी है ना, तो 6 महीना बाद है तो कैसे हम 3 महीना में डिसाइड कर देंगे? तो ये जुडिशरी ओवररीच कर रहा है ना लेजिस्लेचर के डोमेन में। लेकिन सर वो डिसीजन लेने के लिए तो सेशन का होना जरूरी नहीं है ना, स्पीकर एज ए स्पीकर तो कर ही सकता है कभी। देखो स्पीकर कर सकता है, बट टेक्निकली जो आदमी के खिलाफ डिसीजन, जैसे इंडिया में या कहीं भी नियम क्या होता है किसी को, कि नेचुरल जस्टिस का प्रोक्लेमेशन सबसे ऊपर होता है। और नेचुरल जस्टिस में क्या होता है कि जिस आदमी के ऊपर कार्रवाई है उस आदमी का वहां प्रेजेंट होना सेशन में जरूरी है ना, क्योंकि सेशन में कार्रवाई है ना, आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई आपके एब्सेंस में नहीं हो सकती है ना, हम कितना भी ताकतवर हो। ठीक ठीक है सर, है, ओके, अब वोमेन ओके इन सर। जुडिशरी की बात करते हैं। ठीक है, अब बताइए वोमेन इन जुडिशरी का किसी को आइडिया है कुछ? सर अभी रिसेंट में एक इवेंट में प्रेसिडेंट मैम ने कहा था कि देयर शुड बी एटलीस्ट 50% ऑफ द वीमेन शुड बी इन जुडिशरी एट द हायर पोजीशंस। और सीजीआई चंद्रचूड़ सर ने भी यही कहा था कि हमें जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए विमेन का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए जुडिशियरी में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपको दो लोगों ने दे ही दिया, एक प्रेसिडेंट मैम का स्टेटमेंट है और एक सीजीआई का इनका है। प्रेसिडेंट मैम का कहने का मतलब है कि 50% रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और सीजीआई के कहने का मतलब है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए हमें वुमेन का रोल चाहिए। अब देखिए ये तो क्वेश्चन हुआ, ये तो हमारा करंट रोल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक डेटा आप लोग ध्यान रखिएगा, रेजोल्यूशन 75/274, ये यूएन रेजोल्यूशन है। ठीक है, जिस जो डिक्लेयर करता है 10 मार्च एज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपको नहीं मिलेगा ये कहीं, बहुत रेयर रही है। ठीक है, अब इसके बाद ना आप परसेंटेज ऑफ वुमेन इन जुडिशरी का डेटा नोट कीजिए जो आपको इस्तेमाल करना है इसमें, क्योंकि आप ऐसी हवा में नहीं कहेंगे ना कि कम है कम है, कम होने का प्रूफ देना होगा ना हमें, तो ये कैसे प्रूफ देंगे? तो अब इसका हम लोग डेटा नोट करते हैं। डेटा क्या इसमें कहता है कि
टोटल 11.5% जो वुमेन जजेज सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है, और टोटल आप अगर ध्यान देंगे तो वुमेन लॉयर्स कंट्री में कितने हैं, तो वो 15% है। मतलब लॉयर्स ही बाद में जाके वो 10 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद जजेस बनते हैं ना, तो आप ये सोचिए, एक तो जजेस भी इतना कम है, 11.5% है, और वुमेन ऑलरेडी जो लॉयर्स हैं वो 15% है। तो ये प्रेजेंट, अब आपको देखिए, मैंने तीन यहाँ पर केस दे दिया आपको टोटल इंट्रो लिखने के लिए, या तो आप इस तरीके से लिखिए, या तो प्रेसिडेंट मैम वाला कॉलम लिखिए, या तो आप सीजीआई वाला लिखिए, या ये लिखिए। अब देखिए, बेटर बेटर ये होगा कि आप प्रेसिडेंट मैम वाला और सीजीआई वाला जो सर वाला स्टेटमेंट है, इसको आप कंक्लूजन में इस्तेमाल करिए, समझे, और इस डेटा को आप इस्तेमाल कीजिए इंट्रो में, और इंट्रो को सुपर इंट्रो को आप जब इंट्रो और जो क्या बोलते हैं बॉडी के बीच में कनेक्टिंग लाइन है, वहां इसको यूज कीजिए कि 10 मार्च को रेजोल्यूशन जो ये पास हुआ था ये सेलिब्रेट किया 2021 में, तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, इंट्रो मिल गया, कनेक्टिंग पैराग्राफ मिल गया, कंक्लूजन मिल गया। अब आपको बॉडी लिखना है और आपको ये वे अहेड और वो लिखना है, चैलेंजेस लिखनी है, ठीक है। अब आप देखिए, इसमें आप बॉडी में सोचिए कि इम्पोर्टेंस अगर वुमेन इन जुडिशरी होगी तो क्या क्या होगा, जल्दी जल्दी वन वर्ड पॉइंट्स बोलिए आप लोग, जिसको जो सर दिमाग में आए। बेटर डिसीजन मेकिंग, ये जेंडर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव, अगर देखिए, हम एक चीज बता रहे हैं, आप लोग ना मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, और आप लोग जो एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो उसमें आप जनरल बात नहीं बोल सकते कि बेटर जजमेंट, ये सब नहीं हो सकता है। बेटर कुछ नहीं होता है, स्टिक महिलाओं टू द से पॉइंट। संबंधित अच्छा नीति बन सकता है, अच्छे जेंडर से जस्टिस सर बन सकता सर है, है, इज वुमेन जो इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, ये बात सही है, जेंडर इनइक्वालिटी पे हम काम कर सकते हैं। वुमेन लेड सेंसिटाइजेशन होगा सोसाइटी में, और दूसरा वुमेन की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, ठीक है। और बताइए, ये दो पॉइंट हो गया, जेंडर सेंसिटाइजेशन, वुमेन लेड सोसाइटी बनेगी, जेंडर इनइक्वालिटी कम होगा, ठीक है। और बताइए, और क्या क्या पॉइंट हो और सकता सर है। सर वीमेन महिलाओं ज्यादा का एसेस सशक्तिकरण कर से भी हो पाएगी सकता जुडिशरी को, वुमेन एम्पावरमेंट होगा। वुमेन एम्पावरमेंट कैसे होगा, जी क्योंकि पैट्रियार्की कम होगा सोसाइटी में, ठीक रिमूवल है, ऑफ स्टिग्मा वो पैट्रियार्की में आ गया। सर, उसके बाद महिलाओं को ऊंचे पद पे जाने के लिए एक प्रकार से वो लक्ष्य हो सकता है ना, गोल कि भी जा सकते हैं। स्टेपिंग स्टोन एंड जी इंस्पिरेशन, ठीक है। और बताइए, पांचवा सर इट पॉइंट, विल गिव ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू वुमेन। सिक्योरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यस सर ठीक है। ये हो गया हमारा वुमेन इन जुडिशरी जो रोल प्ले करेंगी, ठीक है। अब इसमें हम लोग छोटा मोटा चैलेंजेस में आ जाते हैं। चैलेंजेस क्योंकि नहीं पूछा है, तो हम दो पॉइंट ऐसे ही खाली डिस्प्ले करके छोड़ देंगे। पहला डिस्प्ले क्या करेंगे हम लोग, कि एक रिसोर्स लिमिटेशन है, इससे ठीक सर है, महिलाओं से संबंधित हिंसा भी तो बढ़ सकता है ना, ये भी तो चुनौती है ना, अगर कुछ इस हाँ ठीक प्रकार का है, वो जजमेंट दिया जाए तो। वॉयलेंस इन वॉयलेंस, ठीक है, अगेंस्ट वुमेन, और तीसरा चैलेंज आप लिख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सामाजिक की कमी बहिष्कार है, भी हो सकता है, सामाजिक बहिष्कार भी तो हो सकता है सर, एक प्रकार महिलाओं ठीक का। है, सोसाइटल बॉयकट, जुडिशियरी में सर ओपेक अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, इसके कारण भी वीमेन का रिप्रेजेंटेशन जुडिशियरी में कम है। ठीक है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस में इश्यूज हैं, क्योंकि सर वो कॉलेजियम वाला है तो उसमें इशू होता है। ठीक है। ये हमारा, देखिए, इस क्वेश्चन में ना याद रखिएगा, वुमेन जुडिशरी का पॉजिटिव रोल दिखाना है। चैलेंजेस आपको लिखना है सिर्फ दो पॉइंट, ठीक है, हम आपको यहाँ लिख इसलिए रहे हैं ताकि आप अपने साथ नोट्स जो बनाते जा रहे हैं रनिंग हैंड राइटिंग में, वहां आपके पास डेटा होनी चाहिए। वे अहेड आइए, वे अहेड क्या लिखेंगे आप ये बताइए। वहां आरक्षण दिया जाए, सर उसमें भी वो कम होना चाहिए, वुमेन रिजर्वेशन। वुमेन रिजर्वेशन की बात की जाए, फिर इस यहाँ पर एक आप रिपोर्ट डालिए, 114th लॉ कमीशन की रिपोर्ट, जो रिपोर्ट ये कहता है कि वुमेन लॉयर्स एंड ऑल्सो वुमेन एनजीओज टू वर्क एंड इंस्पायर, ठीक है, ये सजेशन था कि पॉलिसी ऐसा बनाइए जो लॉयर्स और एनजीओज कंट्रीब्यूट कर पाए। और सेकेंड, आप सेकेंड एआरसी सर रिपोर्ट देंगे आप,
सेकेंड एआरसी रिपोर्ट क्या कहता है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशियरी इंक्रीज कर देगा चांसेस ऑफ वुमेन इन सिस्टम, क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन घट जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन घट जाएगा। ठीक है, इसको फिर से बोल दीजिएगा, सेकंड एआरसी ने क्या बोला वुमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है जुडिशरी में, वो जैसे ही बढ़ेगा तो चांसेस ऑफ वुमेन इन द सिस्टम इंक्रीज कर जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि वुमेन के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसके सर? बाद, इसके बाद आप देखो कंक्लूड कर देंगे सीजेआई और प्रेसिडेंट मैम के स्टेटमेंट से। दोनों में से कोई एक आप ले लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। सर, अगर यही क्वेश्चन 38 मार्कर में रहेगा तो क्या अटॉर्नी जनरल के जो सजेशंस है वो ऐड कर सकते हैं? यानी सर, देखिए 38 मार्कर में होगा तो आप वे अहेड में 3 पॉइंट के बजाय 5 पॉइंट लिखेंगे, चैलेंजेस में आप 5 पॉइंट लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन भी करेंगे आप थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद जब आप बॉडी जो सर ये वुमेन एंड जुडिशरी वाली सेक्शन है इसको आप फिर जो एक नॉर्मल में लिख रहे हैं इसको आप 2 पन्ने में लिखेंगे। लिखना सेम चीज यस है, सर, सी हम आपको बस इतना बता रहे हैं ना, देखिए आप बस ध्यान पॉइंट दीजिए, कर देना सर। आप देखिए ध्यान दीजिए, आपके पास ये 5 पॉइंट है, ठीक है, 7 8 मार्कर में सिर्फ ये 5 पॉइंट लिखना है, जब यही 38 मार्कर में जाएंगे तो ये 1 पॉइंट 5 लाइन के इक्वेलेंट लिखाएगा, सेकेंड पॉइंट 5 लाइन के हिसाब से लिखाएगा पूरा एक्सप्लेन करके, समझ गए? यस ठीक है, तो हमारा पेपर जो सेकेंड था वो तो कंप्लीट हो गया, टेस्ट टू। टेस्ट थ्री का पेपर यस आप लोग के पास है? ठीक यस सर, एक है, सेकेंड। टेस्ट नंबर 11 एक्चुअली जो पॉलिटी वाले टेस्ट है वो टेस्ट नंबर 11 है, अब हम लोग टेस्ट नंबर 11 डिस्कस करेंगे, ठीक है? दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम लोग आज में, टोटल 5 क्वेश्चन हम लोग डेली डिस्कस करेंगे, और ये 5 क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चंस नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम, उसमें आपको अप्रोच बता रहे हैं, उससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, उस क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका बता रहे हैं, और आगे और क्या चेंजेस अगर क्वेश्चन में दिखें तो उसको टैकल कैसे करेंगे। किसी को कुछ डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? अब अगला टेस्ट नंबर 11 का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर ए क्या है? क्वेश्चन नंबर ए बता रहा है कि, डिस्कस हाँ बोलिए, सर पावर एंड फंक्शन ऑफ कैट। कैग का। अब ये बताइए कैग के बारे में किसी का आपको स्टेटमेंट पता है, कोई आदमी कैग को कैसे डिफाइन किया है, कोई भी बड़ा स्कॉलर फिलोसफर कुछ भी कोई भी, किसी का डेफिनेशन आपको याद है? अंबेडकर साहब शायद बोले हैं इसके बारे में, क्या बोले हैं बताइए। लोकतंत्र का एक स्तंभ के रूप में, शायद मिस कर रहे हैं इसको सर। सर उन्होंने कहा था, इट इज द चीफ गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स विच अपहोल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन अ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसको आप लोग लिखिए, अंबेडकर वाली जो स्टेटमेंट है ये, अगर एम लक्ष्मीकांत आपके पास किताब है तो उसमें भी दिया हुआ है, ऐसे नहीं तो लिखना है जिसको तो लिख लीजिए, द ऑफिस ऑफ सीएजी इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कंट्रोल एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम बोथ एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। ठीक है, यस सर, अब इसके बाद आप, ये हमारा इंट्रो लाइन हो गया, अब इसके बाद कनेक्टिंग पैराग्राफ चाहिए। देखिए इंट्रो ना दो सेक्शन का होता है, एक हम लोग एक कोट या कुछ स्टेटमेंट या करंट से रिलेट करते हैं, दूसरा एक कनेक्टिंग पावर कनेक्टिंग लाइन, ये दोनों मिला के इंट्रो होता है, ठीक है? फिर बॉडी लिखते हैं हम लोग, फिर हम लोग यहाँ पर आपको लिखते हैं चैलेंजेस, फिर वे अहेड, और फिर कंक्लूजन, और कंक्लूजन में हमारा पेनल्टीमेट जो लाइन होता है ना, जैसे किसी प्रेसिड, जैसे पिछले क्वेश्चन में ये दोनों प्रेसिडेंट मैम और सीजेआई का जो लाइन था ये पेनल्टीमेट लाइन हो गया, समझ गए? तो ये आपने लिखा, अब इसमें आप लिखिए, अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन हो गया, अब अगला क्वेश्चन का क्या क्या है? पहली बात तो हमें क्वेश्चन में दो चीज दिया है, एक तो पावर्स दिया है और एक फंक्शंस दिया है,
अब ये बताइए पावर्स क्या क्या हैं, फंक्शंस क्या क्या हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। आप लोग की मेंस है अगले 20 दिन में, ये आपको आना चाहिए। बताइए पावर्स बताइए, फंक्शंस बताइए। कनेक्टिंग पैरा में क्या कुछ लिखने के लिए बोले थे क्या हाँ क्या किया सॉरी, इसको? कनेक्टिंग कनेक्टिंग पैराग्राफ में आप इसको ना कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन से जोड़ देंगे कि ऑफिस ऑफ सीएजी, पहला बात तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आपका आया था ना 1935, इसके द्वारा स्ट्रेंथेन किया गया था इंडिया में, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था अकाउंटेंट जनरल के तौर पे, बट उसको इग्नोर कर दीजिए। आप ये लिखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ये पूरा स्ट्रेंथेन हो गया था, और ये प्रेजेंटली आर्टिकल नंबर 148 में कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन है, ठीक है। और उसके बाद पावर्स एंड फंक्शन में अगर आप चाहें तो कंबाइंड भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। बेटर है कि आप कंबाइंड लिखिए, क्योंकि अलग अलग लिखने में आप सेपरेट करने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो बताइए क्या क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं। सर, एज एन अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट टू सिक्योर देखिए ऑडिट अब रिपोर्ट ऑफ द कंट्री। कीवर्ड्स पे आइए, क्योंकि शॉर्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ऑडिट रिपोर्ट यस सर, टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या होगा कि ये किस चीज का ऑडिट करता है, तो ये कंसोलिडेटेड फंड का ऑडिट करता है, कंटिंजेंसी फंड का करता है, और पब्लिक अकाउंट्स का करता है, ठीक है। इसके बाद अब आगे आप जब बढ़ेंगे और क्या होता पीएसयूज का भी करता है, पीएसयूज का भी ना। तीन फंड्स को करता है, बाकी और ये बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पीएसयूज वगैरह का ना कहीं मेंशन है ना कहीं आप मेंशन करेंगे, क्योंकि पीएसयूज की ऑडिट खुद होती है। पीएसयूज इनको कह सकते हैं सुपरवाइज करने के लिए, और वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में आता है, जब प्रेसिडेंट आपको इनको डायरेक्शन देता है तो ये करते हैं, ठीक है, क्लियर है। सर हाँ बताइए। सर इट एक्सपोज करप्शन, जैसे 2G स्कैम में किया था, एग्जाम्पल के साथ दिया इसका सर, बाय ऑडिटिंग द रिपोर्ट्स इट एक्सपोज द करप्शन इन द सिस्टम। ओके बोलिए बोलिए, ठीक है और बोलिए। एग्जाम्पल में हम लोग सर इसको एग्जाम्पल में हम लोग 2G और पोल स्कैम दे सकते हैं। फिर ये फिस्कल वॉच मतलब इसका ये गाइड एंड फिलोसफर की तरह भी काम करता है पीस के लिए। ठीक है और बोलिए। सर नेट प्रोसीड पे किसी टैक्स पे और ड्यूटीज पे जो इसका सर्टिफिकेट होता है वो फाइनल होता है, रेवेन्यू सर्टिफिकेट। देखिए ये उतना जरूरी नहीं है, इसके तीन, आप पहली बात तो रिपोर्ट्स का नाम लिख लीजिए, ये तीन टाइप के रिपोर्ट्स देता है गवर्नमेंट को, ठीक है। उन तीनों रिपोर्ट्स के आप नाम लिख लीजिए, और कुछ उसके बाद और भी हम इसके कमेंट्रीज जो हैं वो लिखवा रहे हैं आपको, वो थोड़ा आप लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए इसमें फंक्शन, इसके फंक्शंस में हमने दो पॉइंट ऑलरेडी लिखा रखा है, तीसरा पॉइंट लिखिए ऑडिट। ये तो ऑडिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर लिखवा दिया हमने आपको, 151 आर्टिकल के अंदर ये आता है ये पॉइंट, यस सर, ठीक है। और उसके बाद अगर आप आगे का पॉइंट लिखिए, एक्ट्स एज ए गाइड फ्रेंड फिलोसोफर टू द पब्लिक अकाउंट्स, पब्लिक अकाउंट का मतलब आप समझें कि जो पब्लिक का इन्वेस्टमेंट